हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना किचन। सर्दियों का मौसम आते ही मार्केट में मीठे गाजर आना शुरू हो जाते हैं और हर किसी के घर में गाजर का हलवा तो बनता ही है, लेकिन आप इसे मेरे तरीके से बनाइए। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम शादियों में या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने 4 चम्मच घी ऐड कर लिया है। अगर आपके पास असली घी है तो आप वो ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के गाजर को घिस लिया था। देखिए, हमें अच्छे से गाजर को कद्दूकस कर लेना है और मैं सब ये घी में डाल दूंगी। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें गाजर को घी के अंदर अच्छे से भून लेना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसमें इलायची की खुशबू आती है तो गाजर का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी किशमिश। अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गाजर के हलवे में किशमिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे 50% गाजर गल गए हैं। हमें इसे बिल्कुल स्लो आंच पे ही पकाना है। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा कप चीनी ऐड कर लूँगी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिए। अगर गाजर मीठे हों तो आपको थोड़ी कम चीनी लगेगी। चीनी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चीनी की वजह से गाजर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, लेकिन हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे तो वो भी सूख जाएगा। ये देखिए, हमें इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 1 कप भर के दूध ऐड कर लूंगी। ये मैंने फुल फैट दूध ले लिया है। दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर दूध ना डालना चाहे तो इसके बदले कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें इसे बिल्कुल नीचे जलने नहीं देना है, इसलिए मैं इसके अंदर चम्मच चलाती हूँ। 5 से 10 मिनट हम इसे और पका लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप भर के खोया ऐड कर लूंगी। ये नॉर्मली स्वीट होम में जो खोया मिलता है वही है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप जो शादी और रेस्टोरेंट में हलवा खाते हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरह से बनता है। उसके अंदर भी ये खोए का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब खोया लिया था। अगर आपकी गाजर ज़्यादा है तो आप इसके अंदर खोए की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, या फिर आप एक छोटा कंडेंस मिल्क का टिन डाल दीजिए। अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे तो उसके अंदर चीनी बिल्कुल कम डालिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है। तो बस देखिए, हमने इसका पानी सुखा लिया है और बन के तैयार है हमारा गाजर का हलवा। अब मैं ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लूँगी। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इस सर्दियों में तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मैंने आपको इसे कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट्स में बनाना सिखाया है। आप एक बार इसे मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमने इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं मिलाया है। तो बन के तैयार है हमारा गाजर का हलवा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।